हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मरकजी अंजुमन खादरिया सीरत-उन-नबी एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज जो है ख़वातीन का एक हिजाब के मुतालिक प्रोटेस्ट रखा गया था, जो हमारे अपने मुल्क की अमन की फिजा को बिगाड़ने की चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से कोशिश की गई। कर्नाटक के जो वाक़या हमारे सामने पेश आया मुस्कान खान का, अगर आप वो विजुअल देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि एक तन्हा लड़की पर कितने दरिंदे नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। और फिर ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब ना पहने यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो मेरा सवाल है कि जो हमारी हिंदू बहनें हैं, जो हमारे सरदार जी भाई हैं, हिंदू बहनें अपने माथे पर तिलक लगाती हैं और जो है मांग में सिंदूर भरती हैं, तो उसका भी ताल्लुक मज़हब से है। सरदार जी भाई अगर पगड़ी बांधते हैं तो उसका भी ताल्लुक मज़हब से है। और वैसे ही इस्लाम की जो लड़कियां होती हैं, जो मुसलमान लड़कियां होती हैं, उनका हिजाब एक निशान है और वो पर्दा करती हैं। जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत असमा जब सामने आई तो आपका दुपट्टा सर से हटा हुआ था, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम अपना दुपट्टा बराबर करते हुए सर को ढाक कर मेरे सामने आओ। तो इस वाक़े से ये बड़ी क्लियर बात है कि जब कोई लड़की बड़ी हो जाती है तो हमारे पास पर्दा है, हिजाब है। और आज हमारे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहा कि लड़कियाँ या हिजाब के मामले को छोड़ें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ना चाहती है, आला तालीम हासिल करना चाहती है, आईएएस आईपीएस बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, लेकिन इस्लाम के साथ, शरीयत के साथ। आप अगर हिजाब पर पाबंदी लगाएंगे और हिजाब के साथ अगर आप स्कूल में दाखिला नहीं देंगे तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि आप मुस्लिम ख्वातीन को तालीम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि दुनियादारी के साथ साथ शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दामन मर्द और ख़वातीन पकड़े रहें, मुसलमान भी रहें, तालीम भी हासिल करें। और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं। जिस तरीके से DNA का जो सुधीर है जी न्यूज़ का, जिस अंदाज़ में जहर उगला है कि अगर आज हम हिजाब को इजाज़त देंगे तो कल नमाज के लिए पूछा जाएगा, फलां किया जाएगा, तो ये कुछ फिरका परस्त नेशनल न्यूज़ के लोग हैं जो फिज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये बात सिख भाइयों से भी कहूँगा, जैन भाइयों से भी कहूँगा कि ये एक हमला सिर्फ हिजाब पर नहीं बल्कि जितने अपने मजाहब और भी मजाहब के लोग हैं उन तमाम पर हमला है और उन तमाम की मजहबी आज़ादी खींचने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। है उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोले तो आप लोग ये भूल गए थे क्या? हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में भाई भाई, ये जो भी हो रहा वो सही हो रहा है, गलत हो रहा? गलत हो रहा, एकदम गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा। मैडम आप सभी के साथ आवाज दे दें। नहीं तो उनके इस्लाम से कैसी बात है ये? बच्चों
हिजाब हमारा हक है और ये सेकुलर मुल्क है, इसमें किसी को हक नहीं है कि ये हिजाब के लिए कोई हमको मना करे। किसी के बाप में किसी की माँ नहीं जानी कि हमको हिजाब से रोके, कोई नहीं रोक सकता हमको। अगर कोई हिजाब के खिलाफ बोलेंगे तो उनको बोलिए कि पहले उनको धोती उतारे, उसके बाद हमको हिजाब उतारने के लिए वह कहें। उनको शर्म आनी चाहिए हमारे इस्लाम और दीन में दखल अंदाजी करने के लिए। जो भी ये काम कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला का भी खैर नाजिल होगा और तमाम मुसलमानों की बददुआएं लगेंगी। जो भी हक हमारा छीनने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उनका हर हक छीन लेगा। उनको उन जो भी हमारे मुसलमान बच्चियों को जो तंग कर रहे हैं उनको अपने दीन और इस्लाम से हटकर जो हैं दीन और इस्लाम पर चलने से हटने के लिए जो कह रहे हैं उनका जो है हशर अल्लाह ताला इतना बुरा करेगा कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बदजनवर की सूरत होकर उठेंगे उन लोग।